भारत बंद को लेकर अब उत्तराखंड में भी राजनीति शुरू हुई है। किसान आंदोलन पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन की घोषणा की। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कृषि कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस ले। किसान संगठनों की ओर से कल बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस समर्थन करेगी। देखिए, देश के किसानों ने, जो देश का अन्नदाता है, उन्होंने 8 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान किया है। हमारी राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने और तमाम अन्य राजनीतिक दलों ने किसानों के इस बंद को समर्थन देने का काम किया है और निश्चित रूप से कल के बंद में कांग्रेस किसानों के साथ खड़े होने का काम करेगी। साथ ही प्रीतम सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार को घेरा और कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय किए वादों में से एक भी वादा राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया। राज्य के बेरोजगार युवाओं को कब रोजगार मिलेगा? राज्य के किसानों का ऋण कब माफ होगा? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश का अन्नदाता, देखिए सुनिए, अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो हमें कोई गुरेज नहीं था। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, खुले आसमान में इस सर्द मौसम में जो है जंग लड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है भव्य स्वागत, राजशाही स्वागत हो रहा है। अरे, किसानों के दर्द को समझो, मर्म को समझो, ये हम कहना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 12 दिन हो गए। ऐसे में सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों ने प्रदर्शन के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन पर समूचा विपक्ष किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।